मुजफ्फरनगर घुटने के दर्द से जुड़े इलाज के लिए अब नए नए एडवांस तरीके आ गए हैं, जिनके चलते ही रिप्लेसमेंट जैसी प्रक्रिया मरीजों के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। खासकर उन लोगों को एडवांस रिप्लेसमेंट तरीके से ज्यादा लाभ पहुंचता है जिन्हें घुटनों के जोड़ों में गंभीर ऑस्टियो अर्थराइटिस की शिकायत रहती है। इसी के मद्देनजर लोगों को अवेयर करने और टाइम पर सही इलाज कराने के मकसद से मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वैशाली गाजियाबाद ने आज शहर में एक जागरूकता सत्र आयोजित किया। इस मौके पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वैशाली में ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट विभाग के सीनियर कंसलेटेस्ट डॉक्टर निकुज अग्रवाल मौजूद रहे। साथ ही 68 वर्षीय मरीज दर्शना अरोड़ा भी यहां मौजूद रही, जिनका नी अर्थराइटिस का सफलतापूर्वक इलाज किया गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर निकुज अग्रवाल हूं, सीनियर कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी मैक्स अस्पताल वैशाली से। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है बताने के लिए कि जो एक नई तकनीक है जिससे हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं, वो कितनी कारगर है और कितने सक्सेसफुल रिजल्ट्स आते हैं। हमारे साथ हमारी एक पेशेंट हैं दर्शना जी, जिन्होंने 2 साल पहले इसी तकनीक का फ़ायदा उठाया और अपने दोनों घुटने, जिसमें बहुत ज़्यादा उनको आर्थराइटिस और गठिया की बीमारी बढ़ गई थी, उसका इसी नई तकनीक से इलाज करवाया गया और कंप्यूटर नेविगेशन द्वारा, छोटे चीरे द्वारा सर्जरी करी गई, जिससे कि उनका बहुत जल्दी रिकवरी हुई और पूरी तरीके से, पूर्ण तरीके से उनका गठिया अपनी जड़ से ख़त्म हो गया। ऑपरेशन करने में करीब 4 से 4.5 लाख के बीच तक का खर्चा आता है और उस, और अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस के अंडर ये पूरी तरीके से इंक्लूड हो जाता है। हम मैक्स अस्पताल से मुजफ्फरनगर में हर हफ्ते ओपीडी करते हैं इवान अस्पताल में। इवान अस्पताल में हर शुक्रवार को मेरी ओपीडी होती है, जिसमें हम जॉइंट रिप्लेसमेंट रिलेटेड या जोड़ संबंधित मरीजों को देखते हैं और उनका सही इलाज के लिए सुझाव देते हैं, कंसल्टेशन देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दर्शना अरोरा है। दर्शना जी, आपने अपना ऑपरेशन कराया था? क्या मैंने निकुंज अग्रवाल के अंडर में मैक्स वैशाली में ऑपरेशन करवाया। मुझे कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हुई और जिस दिक्कतों से मैं गुजर रही थी उन दिक्कतों का मैं बयान भी नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा भी नहीं लगता कि मैंने ऑपरेशन करवाया है। किस तरह की दिक्कत थी आपको? क्या मैं बिल्कुल चल नहीं पाती थी, मतलब गाड़ी में भी अगर बैठ के जाती थी तो उतरना मुश्किल हो जाता था, उसमें भी पैर पूरे अकड़ जाते थे, दर्द होता था, पूरे अकड़न पैरों में हो जाती थी। अब जैसे आपने ऑपरेशन करा, अब क्या है? अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कितनी भी दूर पैदल 1-2 मील वो करती हूँ, सुबह शाम जैसे पैदल भी चलती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। ऑपरेशन के दौरान हॉस्पिटल आना पड़ा? 7 दिन में मुझे छुट्टी मिली थी, 26 अगस्त में ऑपरेशन हुआ तो 1 सितंबर में मैं घर। इस उम्र में जो है आपका ये सफल ऑपरेशन? हाँ, मेरा ऑपरेशन बिल्कुल सफल है और इंश्योरेंस इंक्लूड था। जो काम 4-5 लाख में होना था, मुझे लगे 2-3 हजार में ही मैं घर आ गई। 2700 रुपये कुल दिए थे और मैं ऑपरेशन से फ्री हो गई। इंश्योरेंस कराना भी जरूरी है? ये भी जरूरी है, बहुत जरूरी ये भी जरूरी है।